हेलो। हाँ सुमित बोल, क्या हुआ? नहीं यार, वो ज़रा ऑफिस में लेट हो गया था ना कल। हाँ सॉरी, हैप्पी होली। सुमित यार नहीं आ पाऊँगा मैं आज, आई नो थोड़ा काम है यार, समथिंग पर्सनल। I'm really sorry यार, I won't be able to make it. कल मिलते हैं ना ऑफिस में। ओके बाय। चाहते हैं मैं वहीं सेटल हो जाऊं, वो लोग भी वहीं पे आ जाएंगे कुछ साल बाद। हाँ सुन चुका हूँ 10 बार, तो जब बात करने से कुछ बदल नहीं सकता तो बात करके फायदा क्या है यार? कैसे समझाऊं यार तुझे, मैं आती रहूंगी ना बीच बीच में। देख मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो तू मुझे मनाएगी प्यार से और मैं मान जाऊंगा। अरे यार ये कहाँ की बात कहाँ ले आया तू? और तू वहाँ रह के करेगी क्या? नई कंट्री, नए लोग, नए दोस्त बनाएगी ना, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? मत बात कर मुझसे। ऐसा थोड़ी ना होता है। एग्जैक्टली यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। अश्विन यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, तुझे तो सबसे पहले समझ आनी चाहिए मेरी सिचुएशन। नहीं समझना है मुझे, तू जा। सुन ना, मैं होली के दिन जा रही हूँ। वाओ ग्रेट, ग्रेट जॉब श्रुति। सुन तो, फ्लाइट शाम की है, सो हम एक लास्ट टाइम मिल सकते हैं बिफोर आई गो, वहीं जहाँ पे हम लोग रोज मिलते हैं। मिलते थे, अब और नहीं होगा मुझसे, तू रहने दे। आई नो तू जरूर आएगा। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। तू आएगा। मैं नहीं आऊंगा। अश्विन, हेलो अश्विन, अश्विन, यू हैव वन अनहर्ड मैसेज। हैप्पी होली अश्विन, मैं कितनी देर वहां रुकी थी अश्विन, तू आया क्यों नहीं? मैंने बहुत इंतजार किया बट तू आया ही नहीं। एंड ऑफ मैसेज, टू डिलीट दिस मैसेज प्रेस 7। मैसेज डिलीटेड। थोड़ी देर हो गई ना? काफी टाइम बीत गया। बीतने के लिए तो बना है। और टाइम क्यों बीतता है? ओह प्लीज नॉट अगेन। ताकि लाइफ आगे बढ़ सके। शुरू हो गया तेरा प्रवचन। क्यों आज लड़ना नहीं है तुझे? नहीं मूड नहीं है। गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ यार। बात नहीं करनी है तो क्यों आया है यहाँ पे? ताकि लाइफ आगे बढ़ सके। तो बढ़ ना आगे, तू यहाँ क्यों रुका है? रुका मैं नहीं, रुकी तू है। और वैसे भी आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ पीछे छोड़ दें, और सब तेरी तरह तो होते नहीं है। हाँ सुना सुना, और कितना सुनाएगा यार, वैसे भी तू टॉन्ट मारने तो आता है यहाँ पे। सुनाने नहीं आता, तुझसे मिलने आता हूँ, अच्छा लगता है इसलिए आता हूँ। तू मिल तो हम कहीं पे भी सकते हैं। कहीं भी मिल सकते हैं मतलब इस
जगह की कोई इमोशनल वैल्यू नहीं है, ये कहीं भी, व्हाट डू यू मीन? तुझे पता है तू गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगता है। जब देखो मजाक, इतना ही क्यूट होता तो छोड़ के नहीं जाती, मेरे साथ रहती। यार अपना ये फेवरेट स्पॉट, तू कब तक आता रहेगा यहाँ पे? जब तक तू रहेगी यहाँ, और वैसे भी मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। वैसे देखा जाए तो मैं यहीं मिलूंगी, वैसे देखा जाए तो मैं हर जगह मिलूंगी, बट दैट डजंट मीन कि तू यहीं पे रुका रहे। मैं नहीं रुका हूँ, आई एम नॉट वेटिंग, मैं बस इतना कह रहा हूँ। तो क्या है अश्विन, ये कैसी जिद पकड़ के बैठा है तू? मुझे जाना होगा और यू नीड टू एक्सेप्ट इट। हाँ सब मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, मतलब मेरी बात नहीं मानेगी तू, सब मैं एक्सेप्ट करूँ? तो इतना सेल्फिश बिहेव क्यों कर रहा है तू? मेरे लिए नहीं तो खुद के लिए आता है यहाँ पे? कभी तूने एक बार भी सोचा है तुझे ऐसा देख के मुझे कैसा फील होता होगा? वाह, फील भी होता है तुझे, ग्रेट, रख अपनी फीलिंग्स अपने पास। अश्विन रुक, तो कहाँ जा रहा है? अश्विन, अश्विन रुक, तो अश्विन रुक, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था यार। तो क्या था कहने का मतलब? तू मुझे गिल्टी फील करवाना चाहता है? मैं किसी को कोई गिल्टी फील नहीं करवाना चाहता, मैं कुछ नहीं प्रूव करना चाहता है तू कि तेरी फीलिंग्स कितनी नेसेसरी है। मेरी फीलिंग्स अगर नेसेसरी होती ना तो तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं गई होती। प्लीज यार तू इतनी सी बात अगर समझ गई होती ना, नहीं नो 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 नो, इतनी सी बात अगर तू समझ गई होती ना तो आज मैं अकेला नहीं होता ऐसे। नो इट्स नॉट फाइन, मुझे तेरे साथ रहना, तुझे समझ में नहीं आता? कहाँ है तू?